फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में अपनी बॉडी को गर्मी से बचाने के लिए ज्यादातर लोग या तो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, विदेशी तरीकों को छोड़कर यदि आप देसी ठंडा यानी कि हमारी प्रकृति ने जो हमें चीजें प्रदान की है उनका सेवन करें तो वो भी गर्मी से हमें निजात दिला सकती है। आइए देखते हैं कि देसी ठंडा किस तरीके से हमारी गर्मी को दूर करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। टिप नंबर वन है आम पन्ना। आम पन्ना कच्चे आम को भूनकर बनाया जाता है। इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की भरमार होती है, जिसकी वजह से ये लू से बचाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यदि आपको बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है तो आप इन गर्मियों के अंदर आम पन्ना का फायदा उठा सकते हैं। टिप नंबर टू है छाछ। जी हाँ, दही से बनने वाली छाछ भी हमारे शरीर को गर्मी से बचाने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। छाछ दही से मिलती है, इसीलिए काफी ज्यादा ठंडी होती है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य बनाने में भी सक्षम होती है। आप चाहें तो रोजाना एक ग्लास छाछ पी सकते हैं और अपनी बॉडी को खुशनुमा बना सकते हैं। टिप नंबर थ्री है मौसम्बी का शरबत यानी कि मौसम्बी का जूस। मौसमी का जूस भी आप गर्मियों के मौसम में पी सकते हैं। मौसमी के जूस के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो न केवल हमारे शरीर को पोषित करते हैं बल्कि हमारे शरीर को गर्मी से बचाने के लिए भी सक्षम होते हैं। आप गर्मी से बचने के लिए मौसमी के जूस के अंदर बर्फ डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। टिप नंबर फोर है नींबू पानी। नींबू पानी सबसे सस्ता और अच्छा सौदा है गर्मी से बचने के लिए। आप घर बैठे नींबू पानी का आनंद उठा सकते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल बना सकते हैं। टिप नंबर फाइव है तरबूज का रस। तरबूज का रस भी काफी अच्छा माना जाता है बॉडी के टेम्परेचर को घटाने के लिए और गर्मी के एहसास को कम करने के लिए। आप चाहें तो रोजाना एक तरबूज का सेवन भी कर सकते हैं। ये ना केवल आपके शरीर की गर्मी को हटाएगा बल्कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए शरीर के अंदर पानी की कमी को भी पूरा करेगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे देसी ठंडे जो आपकी बॉडी को गर्मी से बचा सकते हैं। इन्हें ट्राई जरूर करिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।